Welcome, my dear students, in my YouTube channel. So, in this lecture, I am going to tell you about a comparative view of insulin and glucagon hormone. So, I am going to discuss now. So, what is basically insulin and glucagon? We have discussed in last videos, but here I want to tell you about the comparative view. So, these are secreted by beta cells of pancreas. या आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस हम लोग बोल सकते हैं एंड दीज आर सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जो पेंक्रियास होता है वहां पे जो आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस होते हैं वहां पे अल्फा बीटा और डेल्टा तीन तरीके के सेल्स होते हैं और अल्फा ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, बीटा इंसुलिन को और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन को। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो इट कॉजेज लोवरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड जो होगा इट विल डिक्रीजेस। इंसुलिन का काम है कि इसकी लोवरिंग करेगा और ग्लूकागॉन क्या करेगा, इट विल रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देगा। आप ऐसा एरो भी लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इट विल इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन, जब भी हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा तो एक्सेस ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोरेज फॉर्म है ये शुगर की। तो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा इन मसल्स एंड लिवर्स। ये जो रिएक्शन होगी इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और जब वापस हम लोग ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये रिएक्शन मसल्स और लिवर सेल्स में होगी। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग ग्लूकागॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन हम लोगों ने बनाया है, इट विल इंक्रीज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन से हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे और इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोगों ने बोला हुआ है ग्लाइकोजिनोलिसिस। एक्चुअली आई टोल्ड यू दैट लिसिस इज द ब्रेकडाउन एंड जेनेसिस इज द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइको को बना रहे हैं, ग्लाइकोजन को बना रहे हैं। यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस इसका मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हैं और स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिवर में होगी। तो आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि मसल्स और लिवर सेल्स में होती है, ये सिर्फ लिवर में होगी। ये इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। यहाँ पे बीटा सेल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे अल्फा सेल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, यहाँ अप हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। सो दिस इज द कंपेरेटिव व्यू स्टूडेंट। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में डिटेल में बता चुकी थी, फिर भी यहाँ पे कंपेरेटिव व्यू एट ए ग्लांस देखने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। So thank you students, I hope we will meet soon with a new topic, that will be my thyroid gland. So we will totally focus on thyroid gland, its location, its structure and all the hormones. So thank you for your support my dear subscribers and my students, those who have subscribed and those who have not subscribed and still they are watching my video. So please subscribe to my channel. Thank you dear friends, bye bye, take care.